हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि आप अपस्टॉक के ऐप में फीचर एंड ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करें, वो भी बिना बैंक स्टेटमेंट के। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको फीचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना होता है लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी ऑप्शन हो गया, इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपका जो डीपी होल्डिंग है वहाँ से आप स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको मैं अपने अपस्टॉक के ऐप में दिखा देता हूँ कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपस्टॉक का मोबाइल ऐप लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे निफ्टी बैंक लिखा हुआ है ना ऊपर में, निफ्टी या निफ्टी बैंक है। अगर मैं निफ्टी बैंक को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए निफ्टी बैंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ, निफ्टी बैंक को क्लिक करता हूँ तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आपको एक्टिवेट करना है, नहीं तो आप यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए मैं जैसे एनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या क्या आएगा, ऑप्शन आएगा यू आर स्टेप अवे फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। आपके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपने नया नया बैंक अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, और जैसे मान के चलिए 4 महीना या 5 महीना हुआ आपका बैंक अकाउंट का ओपन किया हुआ, और या फिर आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपसे निकल नहीं रहा है, तब के केस में आप ये जो डीपी होल्डिंग दिख रहा है आपको, या तो आप सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो लास्ट 3 मंथ का, या फिर आप ITR अपलोड कर सकते हो मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, और या फिर आप फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हो। या फिर ये सभी चीज़ें नहीं है ना, तो या फिर आपके पास डीपी होल्डिंग है, लास्ट 3 मंथ का जो डीपी होल्डिंग है वो आप अपलोड करके आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, जैसे डीपी होल्डिंग है, ठीक, मैंने डीपी होल्डिंग पे क्लिक किया। डीपी होल्डिंग को सिलेक्ट करने के बाद में मैं कंटिन्यू बटन पर जाता हूँ। कंटिन्यू बटन पर जाने के बाद में ये क्या बोल रहा है, डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट में भी एटलीस्ट 3 मंथ का होना चाहिए और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डीपी होल्डिंग वैल्यू शुड बी 5000 नंबर, 5000 से ऊपर होना चाहिए। ब्रोकर लोगो स्टैम्प शुड बी विजिबल, नेम ऑन द स्टेटमेंट शुड मैच विद द नेम रजिस्टर्ड विद अपस्टॉक, अपस्टॉक के साथ मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपलोड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से मैं अपना डीपी होल्डिंग का स्टेटमेंट डाउनलोड अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये बता देता हूँ आपको, ये डीपी होल्डिंग है ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए हम चलते हैं पूरा बैक, चलते हैं पूरा बैक, चले जाते हैं। बैक जाने के बाद पे यहाँ पे दिख रहा है आपको अकाउंट सेक्शन, सॉरी यहाँ पे पोर्टफोलियो देख लीजिए, पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए। पोर्टफोलियो पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे को 2 स्टॉक मेरे होल्डिंग पे है, यहाँ पे ICICI बैंक और यूको बैंक, ये 2 स्टॉक होल्डिंग पे है, यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं होल्डिंग पे है। तब ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको डाउनलोड करना है। होल्डिंग में जो भी आप डेलीवरी में शेयर्स को बाय करके रखते हैं, डीपी होल्डिंग में आपका वही शेयर्स आते हैं। ठीक है, डीपी होल्डिंग में फिर से बता देता हूँ आपको, डिलीवरी में जो भी आप शेयर्स को बाय करके होल्ड करते हो वही शेयर्स आपके डीपी होल्डिंग में शो करेगा। अब डीपी होल्डिंग में स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप अकाउंट बटन पे आप क्लिक करिए। अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट में दिख रहा है आपको ये होल्डिंग, रिपोर्ट्स में आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे होल्डिंग रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। होल्डिंग रिपोर्ट में जाने के बाद पे यहाँ पे आपको कौन से डेट से कब तक का आपको डाउनलोड करना है वो सभी डिटेल्स आएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको व्यू ऑल रिपोर्ट्स हियर, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जाइए, आप होल्डिंग पे आप डाउनलोड क्लिक करिए, होल्डिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ रहा है ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए, PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड बटन पे क्लिक किया मैंने और ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ड्राइव यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, ये देखिए इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद पे यहाँ पे चलिए मैं बैक बटन पे चले जाता हूँ, एक सेकेंड, फिर से हाँ डाउनलोड अगेन दोबारा कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो चुका है, अब इसे मैं कट करता हूँ, पूरा बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद पे अगेन मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक पे क्लिक करता हूँ ऊपर, ठीक है। निफ्टी बैंक में क्लिक करने के बाद मैं एनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ डीपी होल्डिंग पे, लास्ट 3 मंथ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ,
फिर यहाँ से मेरी जो डीपी होल्डिंग है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लास्ट 3 मंथ का ही डीपी होल्डिंग आपको करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे सिलेक्ट करके अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये होल्डिंग दिख रहा है आपको, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड करूंगा तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। बस यही ध्यान रखिएगा कि ये 3 महीने का होना चाहिए, लास्ट 3 महीने का डीपी होल्डिंग होना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो पर आपको समझ में आ गया होगा कि बिना बैंक स्टेटमेंट के भी आप कैसे आप अपस्टॉक के ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने डीपी होल्डिंग के मदद से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।